अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मरकजी प्रेस क्लब हासलपुर से कमरुल इस्लाम, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मस्जिद अमीर हमजा में मौजूद हैं, खैरपुर टामी वाले में। यहां पर खतीब यूरोप एशिया जनाब कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब के जानशीन हज़रत मौलाना बिलाल हनीफ मुल्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ खैरपुर टामी वाले में आए और यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग आपको कैसे लगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप जब इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, खैरपुर टामेवाली के तमाम ही शोबा ज़िंदगी के लोग जो हैं वो बड़ी हमारे वालिद साहब की निस्बत से हमसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं। उनमें उलमा तुलबा भी, समाजी सियासी शख्सियात भी, कारोबारी हजरात भी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी आया खैरपुर टामेवाली में तो पहले से और ज़्यादा मोहब्बत करने वाला पाया और पहले से बहुत ज़्यादा चाहत रखने वाला पाया। अल्लाह ताला आप हज़रात को खुश रखे, और मेरी दुआ है कि यही मोहब्बतें जो दीन की निस्बत से मेरे साथ हैं, हमारे वाली साहब के साथ हैं, हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ हैं, दुआ है कि यही मोहब्बतें आप हज़रात के दरमियान भी हों, यहाँ के उलमा के दरमियान भी हों, यानी अवाम की उलमा से यूं ही मोहब्बत हो, तो इंशाल्लाह खैरपुर टामे वाली तो कम अज़ कम जो है वो अमन का गहवारा बन जाएगा। तो इसलिए जो है मेरी दुआ भी है, और आप हजरात को जो है ये मेरी नसीहत भी समझें कि आपस में मिलजुल कर रहें, अमन जो है वो माशरे के अंदर कायम करें, तो इंशाल्लाह घर घर में सुकून होगा, घर घर में अमन होगा, घर घर में जो है वो खुशहालियाँ आ जाएंगी। तो कर सब कुर्बानी आती है ईद उल अज़हा के मौके पे, कुछ लोग जब कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी के अंदर अपने हकीक़े का हिस्सा भी डाल लेते हैं कि कुर्बानी के दिनों में हकीका करना जब ज़्यादा है उसकी अहमियत ज़्यादा है या आम दिनों में करने की ज़्यादा है? देखें, हकीका हकीका है, उसको कुर्बानी के जानवर में उसका हिस्सा रखने की इजाज़त है। कुर्बानी के जानवर में हकीक़े का जो है वो हिस्सा रखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर लड़का है, उसके लिए दो हिस्से होने चाहिए या छोटे दो जानवर होने चाहिए, तो कुर्बानी के जो हैं पग की पाँच हिस्से जो हैं वो कुर्बानी के लिए मखसूस हो गए। अगर लड़का है उसके लिए दो हिस्से कर दिए तो अकीका भी हो जाएगा और बाकियों की कुर्बानी भी हो जाएगी। तो उसका जो गोश्त है उसकी तकसीम का मरहला भी आपको बता दूँ कि जिस तरह से कुर्बानी के हिस्से का हुक्म है कि तीन हिस्से किए जाएँ गोश्त में से, एक दोस्तों रिश्तेदारों के लिए, एक अपने लिए, एक गुरबा के लिए, अकीके के गोश्त में भी यही हुक्म है कि इसको कच्चा या पक्का दोनों सूरतों में तीन हिस्से बना के ही जो है वो खिलाए जाएं, ख़ुद भी खाएं, बिरादरी दोस्त रिश्तेदार भी खाएं और गुरबा को भी शामिल करें। जैसा कि कारी साहब बता रहे थे अकीके के बारे में कि कुर्बानी के जो जानवर में हिस्सा मिलाकर जो अकीके किए जाते हैं उसकी अहमियत बता रहे थे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कोशिश होगी हकायक पर मबनी जितनी भी वीडियोज़ होगी आप नाज़रीन की नज़र पेश करता रहूँगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आज का प्रोग्राम जो है वो बिरादर मोहतरम हाजी अजमल चुगताई साहब की जो है वो कोशिश से मुनक्किद किया गया, और उन्होंने अपने बच्चों के अकीके के सिलसिले में जो है ये आज का प्रोग्राम रखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जो है वो खूबसूरत महफिल सजी और बड़ी बेहतरीन तकरीब हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा।